मेरे लबों का अल्फाज हो तुम, मेरे धड़कन की आवाज हो तुम। दिल टूट गया, साथ छूट गया, आंखें हुई है नम, इन आंसुओं की बूंदों में तेरा चेहरा है सनम। अभी तक आपने इंटरव्यू तो मेरे ब्लॉग वीडियो पे बहुत देखा है, पॉलिटिक्स का, सिंगर का, बट आज हमारे साथ हैं राइटर सुनील राजा। यह दो काम करते हैं, पहला काम है इनका राइटिंग का, दूसरा काम है सिंगिंग भी करते हैं, तो एक तरह का मल्टी टैलेंट आप बोल सकते हैं। आज इनके बारे में हम जानेंगे पूरा डिटेल, कहां से इन्होंने सिंगिंग शुरू किया था और आगे सिंगिंग क्षेत्र में, राइटिंग क्षेत्र में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो सर सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। भोजपुरिया श्रोता सबके नमस्कार प्रणाम, मैं गीतकार सुनील राजा गोरखपुर से, और लगभग मैं 2003 से गाना लिख रहा हूँ जी जी, और मार्केट में लगभग हज़ारों गाने मेरे लिखे हुए हैं जी जी, और अंतरा सिंह, समर सिंह जी भी हैं, गोरखपुर के जाने माने सिंगर जितने भी हैं सब लोग मेरा गाना गा चुके हैं। अभी जल्द ही 3-4 गाने गए हैं शिल्पी राज जी के पास जी, और बहुत जल्द ही मार्केट में आप लोगों को सुनने को मिलेंगे जी जी, और बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं जी जी। सुनील भैया, आपका नाम कैसे सुनील राजा पड़ा है? एक्चुअली मेरा नाम सुनील राजभर। अच्छा अच्छा जी जी, तो मैं हाफ लेता हूँ, अपने कास्ट का हाफ लेता हूँ, तो मैं और लोग मुझे दिल का राजा समझते हैं, कि मैं किसी से दुश्मनी नहीं मेरी, सबसे प्रेम व्यवहार से रहता हूँ जी जी, तो राजा करते करते सब लोग राजा कर दिए। राइटिंग के क्षेत्र में आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, और अभी तक आपने कितने सॉन्ग लिख चुके हैं अपने द्वारा? लिखने को तो 2000-3000 जो भी गाने हैं, लेकिन 1000 से कम नहीं होंगे मार्केट में मेरे लिखे हुए जो मार्केट में बज रहे हैं, काफ़ी चर्चित भी हैं, और बहुत जल्द 2021 में धमाका होने वाला है मेरे गानों का जी जी। कहाँ से वो थॉट आता है आपको गाने का, कि मतलब एक जैसे किसी को देख लिया तो थोड़ा दर्द भरा गाना लिख देते हैं, और लोगों को सोसाइटी में देख के ऐसे अब लोग गाना क्रिएट कर देते हैं, कहाँ से वो आइडिया, कहाँ से वो थाट, वो कहाँ से थिंकिंग जनरेट होता है, थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। ये समझ लीजिए कि माँ सती जी का आशीर्वाद है, गॉड गिफ्टेड है जी जी, और मेरे परदादा नाना जी 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 राइटर थे, बिरहा राइटर श्री बनारसी दास जी, जी, जी जो इस दुनिया में अभी है नहीं। अच्छा अच्छा, और बहुत अच्छे ही राइटर थे वो भी। मेरी माता जी सिंगिंग करती हैं। अच्छा अच्छा, श्रीमती कुसुम देवी जी। हाँ हाँ, तो उनका आशीर्वाद है, प्यार दुलार है कि कुछ अवशेष मुझे भी मिला, और मैं आप लोगों के बीच मतलब प्रेजेंट हूँ इस समय। और राइटर के साथ आप अपना क्लिनिक भी चलाते हैं, तो कैसे सारी चीज़ें संभव हो जाता है आपके लाइफ में? ये समझ लीजिए कि जब तक कस्टमर नहीं रहते हैं तब तक मैं गाना लिखता हूँ जी जी, और जब कस्टमर आया तो मैं कस्टमर को मैनेज करता हूँ। मेरा मेडिकल स्टोर है यहाँ भटर बाज़ार में, राज मेडिकल स्टोर नाम से, राज मेडिकल जी जी जी। और सर आपके सॉन्ग अभी तक काफ़ी लोग गा चुके हैं, कौन कौन फेमस है, जैसे कि समर सिंह भी गा चुके हैं, तो थोड़ा सा बताइए जो नाम आपके। समर सिंह जो गाए हैं सखीरे तो रिटिया बढ़ा ताड़े, और लगभग एक साल हो गया उनको आए हुए। अच्छा अच्छा, फिर कुछ कारणवश घर मतलब कहीं जा नहीं पाए, घर पर रह गए, मैं बीच में मेरे दादाजी इंस्पायर हो गए। अंतरा सिंह भी आपके? हाँ, अंतरा सिंह गाए हैं। मतलब कौन कौन ऐसे सिंगर है जो आपके गाने गा चुके हैं? मैं अंतरा जी हैं, और समर सिंह हैं, गोरखपुर के दीपू देहाती हैं, बलवंत राजभर हैं, अखिलेश मौर्या जी हैं, बलवंत राजभर जी हैं, और बहुत सारे सिंगर, वंदना शर्मा जी, काफ़ी सारे लोग गा चुके हैं। हाँ, थोड़ा अगर कोई लेटेस्ट में आपका एक सॉन्ग हो आपके द्वारा लिखा गया है, या फिर कोई और सॉन्ग थोड़ा सुनाइए। अब देखिए, मैं ये बात बता दूं, मैं हिंदी भी गाना लिखता हूं। हाँ हाँ, और चूंकि मैं देहात एरिया से, गोरखपुर एरिया से हूं, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग भोजपुरी गाते हैं। हाँ, तो इसलिए मजबूरी है कि मैं जो मांग होता है मैं वही करता हूँ जी जी जी। सब भोजपुरी गाना मांगते हैं, भोजपुरी देना पड़ता है, लेकिन मेरी हॉबी है मैं हिंदी सॉन्ग लिखूँ जी जी जी। तो मैं हिंदी गाना आपको सुनाता हूँ जी, सुनाइए थोड़ा सा।
मेरे लबों का अल्फाज हो तुम, मेरे धड़कन की आवाज हो तुम, मेरे लबों का अल्फाज हो तुम, मेरे धड़कन की आवाज हो तुम। दिल टूट गया साथ छूट गया, दिल टूट गया साथ छूट गया, आंखें हुई है नम इन आंसुओं की बूंदों में, तेरा चेहरा है सनम इन आंसुओं की बूंदों में, तेरा चेहरा है सनम। जी भैया, और भोजपुरी सॉन्ग्स भी लिखते हैं। अच्छा, एक बात मैं पूछना नहीं चाहता हूँ, आप एक गाना लिखने का कितना चार्ज करते हैं? ऐसे तो एक क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है ऑन कैमरा पे, बट थोड़ा सा एक आइडिया लोगों को दीजिए। मैं बता दूँ, लगभग मुझे हो गया लगभग 15 साल से ऊपर हो गया मुझे लिखते हुए। मैं आज तक किसी सिंगर से पैसा नहीं लिया हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, और माता रानी का आशीर्वाद है कि मेरा काम चल रहा है तो मुझे जी सिंगरों से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। और मुझे सबसे अच्छा गाना लिखता है सैड सॉन्ग, मुझे लिखना पसंद आता है। तो एक सैड सॉन्ग हो जाए थोड़ा सा। हाँ, भोजपुरी में मैं बताता हूँ। जी। हम रोई ले हर पल तुह के याद करके, हम रोई ले हर पल तुह के याद करके, तू चल गए लो हम के बर्बाद करके, तू चल गए लो हम के बर्बाद करके, हम रोई ले हर पल तुहके याद करके, हाँ हम रोई ले हर पल तुहके याद करके। सुनील भैया, अगर आपसे कोई गाना लिखवाना चाहे तो अपना थोड़ा सा मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस दीजिए जो लोग आपसे संपर्क कर सकें। देखिए, मेरा एक फेसबुक आईडी है, गीतकार सुनील राजा नाम से। जी, वहाँ आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह का सॉन्ग हो, निर्गुण, चैता, सैड सॉन्ग, न्यू सॉन्ग, या फिर कह सकते हैं होली सॉन्ग, आर्केस्ट्रा सॉन्ग, किसी भी प्रकार का गाना चाहिए, हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी, कुछ भी जैसा कहेंगे वैसा लिख देंगे हम। अच्छा, सिंगिंग आप बचपन से, मतलब सॉरी, राइटिंग आप बचपन से स्टार्ट किए थे कि मतलब एक टाइम? नहीं, लगभग मैं फोर्थ में पढ़ा था तब से, शायद। अच्छा, तब से नॉर्मली मैं समझ लीजिए कि लिखता था तो रखता नहीं था। बाद में जैसे जैसे बड़ा हुआ, लगभग सेवेंथ में था, तब से कलेक्ट करना चालू कर दिया उसको। अच्छा, और आपने पढ़ाई कहाँ तक किया? एजुकेशन मेरा बीए फाइनल हो गया है, बीए फाइनल, और फार्मेसी से जुड़ा हूँ, और मेरा मेडिकल स्टोर भी है। जी, और मैं उसी मैनेज करता हूँ। अच्छा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने मिलवाया राइटर सुनील राजा, जो कि एक बहुत ही फेमस गीतकार हैं, राइटर हैं, और इनसे अगर आप गाना लिखवाना चाहते हैं तो आप भी लिखवा सकते हैं। इन्होंने अपना एड्रेस बता दिया, और इनके गाने समर सिंह, अंतरा सिंह, काफ़ी सिंगर ऐसे जो फेमस हैं, सारे लोग गा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।